किसान को केंद्र में रखकर महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है न्यूनतम साझा कार्यक्रम। बरामद हुआ बैंक की गए 500 और 1000 रुपए के नोटों का जखीरा। हरियाणा में मतभेद सुलझे, कल सुबह 11 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। नागालैंड में विद्रोही संगठन के नेता के बेटे और बहू ने शादी में लहराए ऑटोमेटिक हथियार। सबरीमाला, राहुल और राफेल पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है। इसके लिए बकायदा कमेटियों का भी ऐलान कर दिया गया है। किसान कर्ज माफी का मुद्दा प्रमुख रूप से उभरा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, यानी कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। उसमें किसान को केंद्र में रखा गया है, यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तैयार करने के लिए किसान, उसका कर्ज, उसकी आर्थिक हालत और उसकी जरूरतों को केंद्र में रखा जा रहा है। तेलंगाना के खम्मम जिले में पुलिस को बैन किए गए 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों का जखीरा मिला है। ये मामला है खम्मम जिले के बेंसुरू मंडल के मल्लापाडू गांव का है, जहां तेलंगाना पुलिस ने भारी मात्रा में पुराने नोट्स का डंप जब्त किया। ये सभी नोट 3 साल पहले बैन किए जा चुके 500 और 1000 रुपए के थे। पुलिस के 12 लाख रुपए बैन किए गए 500 रुपए 1000 रुपए नोट्स बरामद किए। हरियाणा में मंत्रियों को लेकर मतभेद सुलझ गया है और अब कल सुबह यानी कि बृहस्पतिवार को 11 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हरियाणा में 27 अक्टूबर को खट्टर व दुष्यंत चौटाला की सरकार बनी। सोमवार से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया, लेकिन सरकार बनने के 17 दिन बाद भी हरियाणा का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। कई दिनों से हरियाणा कैबिनेट को लेकर मंथन चल रहा था, जिस पर अब मुहर लग गई है, जिसके बाद कल सुबह 11 बजे हरियाणा कैबिनेट का गठन होगा। बताया जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की ओर से 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि जेजेपी को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद मिलेगा। 2 निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यूनिफिकेशन के नेता के बेटे की शादी के रिसेप्शन में जमकर ऑटोमेटिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। जश्न के दौरान नेता के बेटे और बहू को ऑटोमेटिक गन्स लहराते देखा गया। रिसेप्शन का आयोजन नागालैंड के दीमापुर में 9 नवंबर को हुआ। इस मौके पर वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर रिसेप्शन की तस्वीरें, वीडियो वायरल होने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी ने 2018 में बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद नागालैंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। अयोध्या जैसे बड़े मामले पर फैसला सुनाने के कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाने वाला है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला विवाद और राफेल विमान सौदे पर अपना निर्णय सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। इन दो बड़े फैसलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अवमानना के मामले पर भी फैसला सुनाएगा। बता दें कि 17 नवंबर को CJI रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले वो बड़े मामलों पर फैसला सुना रहे हैं।